हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सहकारिता के सराहनीय कदम दुग्ध उत्पादकों के स्वावलंबन का आधार। डॉक्टर चटर्जी, डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना सहकारिता से डेयरी व्यवसाय, पशुपालन, हरा चारा विकास, पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संतुलित पशु आहार आदि गतिविधियों का संचालन कर लोगों को जागरूकता, सशक्तिकरण, सशक्त संगठन की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही है। सहकारिता के सराहनीय कदम दुग्ध उत्पादकों के स्वावलंबन का आधार है। उक्त बात सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी बाड़मेर द्वारा केरन वेदांता फाउंडेशन के सौजन्य से संचालित डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना परिक्षेत्र के पशु सेवा केंद्र गुड़ा मलानी, दुग्ध अवशीतलन केंद्र भगवान जी की ठाणी एवं मूली ठाणी में अपने विचार व्यक्त करते हुए केरन वेदांता अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर भास्कर चटर्जी ने कही। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत पशु चिकित्सा मोबाइल वैन की सराहनीय सेवाएं पशुपालकों के लिए मददगार हो रही हैं। वहीं पशु नस्ल सुधार, नेपियर घास, चारा पीट, चुकंदर, अजोला घास, रिजका, जो आदि हरा चारा के बीजों को वितरण एवं प्रदर्शन, सिलाई कटाई, सिर्फ साबुन, अचार एवं शरबत निर्माण, दुग्ध उत्पाद निर्माण प्रशिक्षण, भ्रमण आदि अतिरिक्त आर्यवर्धन के सुअवसर दुग्ध उत्पादकों का आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हो रहा है। डॉक्टर भास्कर चटर्जी उक्त अवसर पर दुग्ध उत्पादकों एवं परियोजना टीम को धन्यवाद देकर नवाचार एवं तकनीकी सहयोग की सराहना की। इससे पूर्व ग्रामीणों द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सेवानिवृत्त IAS अनिल अग्रवाल फाउंडेशन डॉक्टर भास्कर चटर्जी, केरन वेदांता CSR कार्यक्रम के प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर उमा बिहारी द्विवेदी एवं राहुल शर्मा का साफा पहनाकर गुलदस्ता एवं माल्या अर्पण कर स्वागत किया गया। उक्त अवसर पर बोलते हुए केरन वेदांता CSR कार्यक्रम के प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर उमा बिहारी द्विवेदी ने कहा कि डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना दुग्ध उत्पादकों को कम चर्चा में अधिक उत्पादन दिलाने का माध्यम बनकर उभरा है। केरन वेदांता के CSR मैनेजर राहुल शर्मा ने कहा कि परियोजना के तहत शेयर सहायता एवं सहभागिता से किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों को कोरोना महामारी में भी आजीविका का आधार बनकर उभरी है। शेयर संस्था के कार्यक्रम प्रबंधक हनुमान राम चौधरी ने उपस्थित अतिथियों एवं संभागियों का स्वागत करते हुए एवं परियोजना प्रगति पर विकास से जानकारी देते हुए एवं विजिट के उद्देश्य की स्पष्टता करते हुए कहा कि डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना केरन वेदांता फाउंडेशन के सौजन्य से किसानों, पशुपालकों एवं दुग्ध उत्पादकों के लिए स्थायी व्यवसाय एवं स्वरोजगार बनकर दूसरों के लिए प्रेरणादायक साबित हो रहा है। चौधरी ने कहा कि परियोजना की वजह से ही सहकारिता से ही डेयरी का संचालन सफलता के कदम चूम रहा है तथा समिति के पदाधिकारी एवं दुग्ध उत्पादक जवाबदेही, पारदर्शी एवं प्रामाणिक बने हैं। भगवान जी की ठाणी समिति सचिव ओम प्रकाश चौधरी, मूली ठाणी समिति सचिव छोगा राम चौधरी, पैरावेट मनोज कुमार, पूर्व सरपंच डूंगर राम चौधरी, डॉक्टर मेसा राम चौधरी, दुग्ध उत्पादक डूडा राम चौधरी, प्रगतिशील किसान राणा राम चौधरी, पशु सेवा केंद्र प्रभारी गुड़ा मलानी गिरधारी राम विशोई, समिति सचिव डेडावा चारना पुन्मा राम विशोई, श्रीमती चिन्नी देवी सहायक परियोजना समन्वयक माला राम गोदारा, सुपरवाइजर सोना राम चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आमंत्रित अतिथियों को डेयरी विकास एवं पशुपालन परियोजना के तहत समुदाय आधारित प्रयासों की विजिट करवाई गई। डॉक्टर भास्कर चटर्जी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने शेयर एवं समितियों द्वारा किए जा रहे अनूठे कार्यों एवं नवाचारों हेतु शेयर की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई। विजिट कार्यक्रम की समाप्ति पर कार्यक्रम प्रबंधक हनुमान राम चौधरी ने उपस्थित अतिथियों, समिति सचिव, पदाधिकारियों एवं दुग्ध उत्पादकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।